Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack G NEET on PregP Practice app. Download now. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ठीक है? क्रिस्टलाइन भी होगा तो वो कैसे कैसे होंगे, ठीक है ना? तो क्रिस्टलाइन में देखो, हम लोग ऐसा बोलेंगे आयनिक क्रिस्टल होगा, कोवेलेंट क्रिस्टल होगा, मेटालिक क्रिस्टल होगा और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आयनिक क्रिस्टल की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, ए प्लस बी निगेटिव तो प्रेजेंट ही होंगे उसके अंदर, ठीक है? कोवेलेंट क्रिस्टल के बारे में बात करूं तो उसके अंदर हम कह लें कि एटम्स ही होंगे, आयंस तो नहीं होंगे, कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो सिर्फ क्या होंगे उसके अंदर, एटम्स ही होंगे। अच्छा, मेटालिक क्रिस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि देखो, ये जो मेटल्स है ना, मतलब मेटालिक क्रिस्टल के बारे में अगर बोले तो यहाँ पे मेटल्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं और यहाँ पे ये ऐसे Fe, सपोज Fe के मैंने ना मेटालिक क्रिस्टल की बात कर दी, ठीक है? ये वाला हम बोल देंगे कि वो कर्नल बोलते हैं, मेटल कर्नल, मतलब एक सी टाइप का है उसके ऊपर ना Fe प्लस इम्बेडेड है, ठीक है? अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑब्वियस सी बात है, अगर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ना, अभी हम यहाँ पे अगर बाइंडिंग की बात करें तो बाइंडिंग में हम लोग क्या बोल रहे होंगे कि फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में हम लोग क्या लें कि जो भी बाइंडिंग हो रहा होगा वो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? मतलब आखिर ये किससे आपस से जुड़ा होगा तो हम कह लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोवेलेंट की बात है तो कोवेलेंट के अंदर कौन सा किसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं मेटालिक क्रिस्टल के अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कह लें कि पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल है वो और वो जिस इलेक्ट्रॉन से इम्बेडेड है वो, इनके बीच में अट्रैक्शन। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स अगर बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एक दूसरे से कैसे अटैच होगा, तो कोई ना कोई तो क्या, या तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से चिपका होगा या फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, क्लियर? अब मैं अगर बात करूं आयनिक की, ठीक है, तो आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट हम कह ले हाई होगा, ठीक है? अच्छा, मॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल में हम ऐसा कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वीक, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर हम कह लें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा, ठीक है? मेटालिक क्रिस्टल हम कह लें मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में हम ऐसे कह लें कि जनरली हाई ही बोल सकते हैं, आइए बस समझ में, ठीक है? अच्छा, अब हम ऐसा कह लें कि अगर मैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करूं तो मैं ऐसा बोल लूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, आयनिक अगर होगा, ठीक है, जैसे मैं नमक की बात करूं, ठीक है, तो नमक क्या कंडक्टिंग होता है या नॉन कंडक्टिंग होता है? एक बोरी नमक ले लूं, ठीक है, मैं इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं, मतलब एक लाइव वायर इधर में अटैच करूं, मैं इधर अगर फील कराऊं तो मुझे कोई करंट फील नहीं होगा, पर क्यों होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कारण होगा तो हम कह लें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, यही दोनों के वजह से तो करंट फ्लो करेगा, ठीक। अगर मैं नमक को सॉलिड फॉर्म में रख लेती हूँ, ठीक है ना, तो नमक को जब मैं सॉलिड फॉर्म में रखूंगी तो उसका Na प्लस और Ca माइनस तो आपस में ही कनेक्टेड है ना, तो ना तो उसने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिया और ना ही वो मुझे कोई आयंस दे रहा है, जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो नहीं घूमना, ठीक है? तो केस में ऐसा कह लूं क्या कि अगर मैं ऐसा बात बोलूं तो ना तो मुझे फ्री आयंस मिला है ना तो मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिला है, तो वहां कोई करंट नहीं बह रहा, कह सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन जैसे ही, अच्छा, कभी ऐसे गांव में देखे हो क्या, लोग अर्थिंग करते हैं, कई बार ना अर्थिंग मतलब सप्लाई वोल्टेज भी सप्लाई के लिए होता है, अर्थिंग करके रखते हैं लोग, ठीक है, मैंने गाँव में ये चीज देखा है, ठीक। तो अर्थिंग में क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं कि अगर अर्थिंग काम नहीं कर रहा ना अच्छे से,
तो उसके अंदर जाओ नमक डाल दो एक बार, ठीक है। अच्छा आखिर नमक डालने से क्या हो गया भाई, नमक तो आप इंसुलेटर कह रहे हो, ठीक है। तो देखो वो जो नमक डाला है और वो अर्थ में डालने को बोल रहा है, तो वो अर्थ का मॉइस्चर गेन किया। अब यानी कि वो किस स्टेट में आ गया, मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में आ गया। और मोल्टन स्टेट में जैसे नमक पानी ले लो, तो जैसे ही नमक को पानी में डालोगे तो नमक क्या NaCl थोड़ी रहेगा, वो Na+ और Cl- के फॉर्म में डिसोसिएट हुआ होगा। तो अब तो मेरे पास फ्री आयंस मिल गए ना। तो अब मैं कह लू ये आयंस रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। क्लियर है? ओके, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा अब मैं कोवेलेंट की बात करती हूँ, ठीक है ना। कोवेलेंट क्रिस्टल, कोवेलेंट ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब अपने दिमाग में रखें, ठीक है। तो मेनली हम कह लें कि कोवेलेंट तो वो ना तो उसके पास आया नहीं और ना ही उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हम कह लें ये बिल्कुल इंसुलेटर है, तुम इसको पिघला भी दोगे ना। मान लेते हैं कि सपोज मैं इसको पिघलाना भी चाह रही हूँ तो अभी इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्लियर है। लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो ना अक्रॉस लेयर, अगर मैं लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर की बात करूं तो वहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तो हम कह लें कि बाकी चीज तो इंसुलेटर होते हैं लेकिन ग्रेफाइट कैसे होते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। कोई पूछे तो हम बोलेंगे क्योंकि उसका लेयर स्ट्रक्चर है और लेयर स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाते हैं। अच्छा अब अगर मेटेलिक क्रिस्टल की बात करूं तो अगेन हम कह लें कि इसके पास तो फ्री आयंस भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो मैं कह रहा हूँ जो भी बात बोलो तुम, ये या तो सॉलिड में बोलो, तभी तो वायर वायर की बात करते हैं, तो वायर में हम कह लेते हैं ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। ऐसा बोलो कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इजिली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जनरली इंसुलेटर होता है, ठीक है। अच्छा फिर तुम कहोगे कि मैम पानी तो, पानी से तो करंट मिलता है यार, ठीक है। तो पानी से करंट नहीं मिलता, पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी है ना दैट वी फील कर, राइट। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अब मैं फिजिकल नेचर्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फिजिकल नेचर्स में कह लो कि आयनिक कैसे होंगे, हार्ड एंड ब्रिटल तो होंगे। यहाँ पे कोवेलेंट भी हार्ड होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। अब ऐसे कह लें कि हार्ड बट मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये मैलिएबल एंड डक्टाइल क्या है, ऐसा बोल सकते हैं। अब हम कह लें कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में बात करें तो सॉलिड होगा, ठीक है। और इसका हार्डनेस बढ़ेगा कब, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ाते जाओगे हार्डनेस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है।